प्यारे बच्चों, क्लास 11 सेकेंड टर्म हिंदी कोर, जिसका एग्ज़ाम आपका 16 तारीख को हुआ था आर्ट्स विषय का, उसी का मैं आज आप लोगों को आंसर बताने वाला हूं। एक बार आप लोग मिला लीजिए आप लोगों ने कितना सही किया है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही हिंदी कोर के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये आपका अपठित बोध खंड का था। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था, तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा और आंसर भी लिखा होगा। तो का नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां लेखक ने किसे निवेदित किया है? तो यह मातृभूमि को निवेदित किया, मतलब लेखक ने किसे किया है, मातृभूमि को निवेदित किया। यह कैसे कह सकते हैं कि देश से हमारा संबंध मृत्यु पर्यंत रहता है? तो मनुष्य का शरीर मातृभूमि और इसके तत्वों वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश से मिलकर बनता है और अंततः मातृभूमि में ही मिल जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मातृभूमि से हमारा संबंध मृत्यु पर्यंत रहता है। फिर उपर्युक्त पंक्तियों के उचित शीर्षक लिखे, तो इसका हो जाएगा मातृभूमि। इसी का अथवा में क्वेश्चन था, अथवा में या इसको बनाना था, इस गद्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे या आपके पास क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका हो जाएगा संवाद। फिर है, हम संवाद की आत्मा तक प्रायः क्यों नहीं पहुंच पाते? तो इसका आंसर है, हम संवाद की आत्मा तक प्रायः इसलिए पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम अपने समाधान देने के लिए उतावले होते हैं। ग है, संवाद की सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। अभिव्यक्ति और माध्यम से है कि प्रदूषण एवं पर्यावरण अथवा मेरे सपनों का भारत विषय पर निबंध लिखना है, तो दोनों में से किसी एक पर लिखना है बच्चों। तो पर्यावरण प्रदूषण को आप लोग देख लीजिए, इस तरह आप लोगों ने लिखा होगा, मैं धीरे धीरे करके बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा है। पर्यावरण प्रदूषण में आप लोग कितने प्रकार है, जैसे वायु प्रदूषण के बारे में लिखना था, जल प्रदूषण के बारे में लिखना था, ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना था, और फिर पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आप लोगों ने लिखा होगा, फिर पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या हम लोग को बीमारी होता है और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं, क्या समस्या पैदा होता है और क्या इसका हम लोग उपाय ढूंढते हैं, इन सब बातों की इसमें चर्चा करना है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा है ये, और लास्ट में फिर निष्कर्ष लिख देना है। यहाँ है दूसरा था, मेरे सपनों का भारत, तो इसको बताते हैं। प्रस्तावना में लिखे हैं, भारत में प्रत्येक धर्म जाति तथा समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबको समान अधिकार, यहाँ हो जाएगा अधिकार प्राप्त है। मेरे देश के सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए आपसी भाईचारे की भावना को उजागर रखे तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बनाए रखे, यही मेरा सपना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के आधार पर प्रत्येक नागरिक एक समान है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा समान कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत शिक्षित, समृद्ध तथा खुशहाली से भरपूर है, जहाँ ओज प्रदान करने वाले सूरज की पहली किरण व्यक्ति को ओजस्वी बना देगी, रात की चांदनी भारतवासियों के मन को शीतल तथा पावन करने वाली होगी। मेरे सपनों के भारत में धान के लहलाहते खेत होंगे, उन फसलों की हरियाली किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आएगी, प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक भावना से परिपूर्ण होगा, मुश्किल समय में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साथ देगा, उत्तर में खड़ा हिमालय, गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का उद्गम तथा वनस्पतियों की श्रृंखला में भारत का नाम अग्रणीय है। देश की खूबसूरती मेरे सपनों के भारत की प्रमुख तस्वीर है। यहाँ का सर्द मौसम, बसंत की बहार तथा गर्मियों में बच्चों की गलियों में अटखेलियाँ करना मेरे सपनों के भारत की एक अद्भुत तस्वीर है। उज्जवल भारत की तस्वीर, मेरे सपनों का भारत प्रत्येक क्षेत्र में उन्नतिशील होगा, विकास की ओर अक्सर भारत देश एक विकसित देश बनेगा, जहाँ हर नागरिक पर शिक्षित तथा ज्ञान से परिपूर्ण होगा, अपने हुनर तथा कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा, अपनी कौशलता से भारत का हर नागरिक देश का तथा अपना नाम रोशन करेगा, शिक्षा, मेडिकल, उद्योग के क्षेत्र में उच्च स्तर पर विकास होगा, शिक्षा क्षेत्र में
देश की संस्कृति तथा सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके साथ मेरा सपनों का देश एक उत्कृष्ट कोटि पर शिक्षा में उन्नति करेगा। मेरा सपनों का देश दुनिया भर में स्वच्छता की मिसाल कायम करेगा। भारत का हर युवक देश को तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। राष्ट्रीयता परम धर्म। मेरे देश में हर एक भारतवासी का परम धर्म राष्ट्र की सेवा करना। हर नागरिक अपने स्तर देश के हित में कार्य करेगा। सैनिकों तथा देश की बागडोर संभालने वाली पीढ़ी को सम्मानित दर्जा प्रदान किया जाएगा। जन जन के मुख पर भारत माता की जय होगी। हर बच्चा वंदे मातरम का जयघोष करेगा। देश का हर उत्सव एकता व सौहार्द से मनाया जाएगा। निष्कर्ष, हमारा भारत देश ऐसी तपोभूमि है जहाँ विद्वानों तथा ज्ञान के प्रकाश का भंडार रहा। ऐसे में भारत देश दुनिया भर के तमाम देशों से एक अलग पहचान रखता है। मेरे सपनों का भारत वास्तव में एक अनोखा तथा सबको प्रेरित करने वाला होगा। फिर है, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर किसी थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो लिखे हैं, परीक्षा भवन से हम लोग लिख रहे हैं। तो हिंदपीढ़ी रांची, दिनांक देना है, थाना अध्यक्ष हिंदपीढ़ी पुलिस चौकी रांची। फिर आपको विषय देना है, क्षेत्र में बढ़ते अपराध को रोकने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, कौमा देके नीचे से लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं महेश हिंदपीढ़ी का निवासी हूँ। हमारा क्षेत्र पूरे शहर में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के निवासी क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण परेशान है। दरअसल हमारे मोहल्ले से लगा एक निम्न आय वर्गीय लोगों का इलाका है। इस इलाके के कुछ युवा नशे के आदि और रोजगार के अभाव में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इन्हीं लोगों के कारण यहाँ आए दिन ऐसी घटना घटित होती रहती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस गश्त को बढ़ाने का कष्ट करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे इन असामाजिक तत्वों में भय का संचार होगा और हमारा क्षेत्र अपराध मुक्त हो जाएगा। आपके इस कृपा से क्षेत्र के समस्त निवासी आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद भदवीय, एक जिम्मेदार नागरिक। फिर है, कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना। तो C15 हिंदपीढ़ी रांची, दिनांक, प्रिय मित्र अच्छा नमस्ते, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे। गत दिनों मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। ये आपका मॉडल सेट में था बच्चों, और मैंने मॉडल सेट आप लोगों को करवा दिया था। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इसे अच्छा से किया होगा तो ये आपका क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो है, जिसमें अपने कोरोना वायरस से बचने के उपायों के विषय में जानकारी लेने की उत्सुकता जताई है। मित्र, इस महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। साथ ही अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती बनाए रखने का प्रयास कीजिए। घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले का कष्ट कीजिए। समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। समानता 2 गज की दूरी बनाकर रखें। उम्मीद करता हूं कि आप इन उपायों को पालन करेंगे। इन उपायों के द्वारा आप कोरोना वायरस के संक्रमण से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। सर धन्यवाद, तुम्हारा स्नेही मित्र नमन पांडे रांची। अपना नाम लिख देना। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान पर एक रिपोर्ट लिखे। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा करकट साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की भी एक पहल सरकार ने 2 अक्टूबर 1919 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। खंड ग है आपका पाठ्यपुस्तक से, निम्नलिखित में किसी एक काव्यांश का सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ है क नंबर है, इसको तो आप लोग देख लिएंगे, क्वेश्चन है आपके पास, सीधे हम लोग आंसर पे चलते हैं। प्रसंग इसका लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग एक में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से उद्धृत है। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अब संस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए। हमें अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी बचानी चाहिए। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। अंत में कवित्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी संस्कृति
सभ्यता और संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी शेष है। इसका काव्य सौंदर्य है बच्चों, कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, आओ मिलकर बचाएं में खुला आह्वान है, थोड़ा सा की आवृत्ति में भाव गांभीर्य आया है, मिश्रित शब्दावली है, भाषा में प्रवाह है, काव्यांश छंद मुक्त एवं तुकांत रहित है। ख नंबर क्वेश्चन है, दोनों में से तो एक बनाना था बच्चों, तो ख नंबर है, सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग एक में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रगतिशील कवि त्रिलोचन है। इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभव को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया, गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। व्याख्या, कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह वहाँ आ जाती है, वह उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि इन काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलती है, वह अक्षरों के अर्थ से हैरान होती है। इसका काव्य सौंदर्य है, निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का बिंब सुंदर है, काले काले खड़ी खड़ी में पुनुक्तक प्रकाश अलंकार है, गांव में भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ, सरल व सुबोध खड़ी बोली है, मुक्त छंद होते हुए भी लय है, अनुप्रास अलंकार है। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन, दो प्रश्नों को उत्तर देना है। पठित कविता में चंपा की किन विशेषताओं का चित्रण है, तो कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का चित्रण किया। चंपा एक ग्रामीण बाला है, उसका स्वभाव नटखट चंचल और शरारती है, कभी कभी वह शरारतवश खूब उद्यम मचाती है और कवि की कलम और कागज को चुरा कर छिपा देती है। दूसरा है, चंपा अबोध बालिका है, वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती है। तीसरा, चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है, कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपनी मन की बात को बिना छिपाए मुंह से कह देती है। चौथा, चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। इसी का ख है बच्चों, आओ मिलकर बचाएं में कवित्री क्या बचाने की प्रेरणा देती है, तो यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। व्याख्या, कवित्री लोगों का आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। अगला है, दुष्यंत कुमार की गजल में दरख्वातों का साया और धूप का क्या प्रतीकार्थ है, तो दरख्वातों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं, धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने की बजाय कष्ट देने लगी है, वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, धनराम तेरा का पहाड़ा क्यों नहीं याद कर पाया, तो धनराम ने तेरा का पहाड़ा सारे दिन याद किया परंतु वह इस काम में सफल नहीं हो पाया। इसके दो कारण हो सकते हैं, पहला धनराम की मंद बुद्धि और दूसरा मन में बैठा हुआ पिटाई का डर। ख है, स्फीति में किस धर्म का प्रभाव है, सब प्रमाण उत्तर दीजिए, तो स्फीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव है। यहाँ की पर्वत श्रेणी को माने श्रेणी कहा जाता है, शायद इसका नाम माने के नाम पर ही हुआ हो, यदि ऐसा नहीं है तो भी यहाँ माने का जाप हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ औध बौद्ध, यहाँ हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म का प्रभाव है, यहाँ औध नहीं है, बौद्ध धर्म का प्रभाव है। ग है, किसान समानता भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं, तो किसान समानता भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियों, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। फिर है, शेखर जोशी अथवा त्रिलोचन की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे, तो शेखर जोशी का पहला है हलवाहा और दूसरा है कोसी के घटवार, और त्रिलोचन जी का है धरती और गुलाब और दूसरा है बुलबुल। फिर है, लेखिका बेबी हालदार को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करने में तातुस का क्या योगदान रहा है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे, उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे, उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहाँ आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। इसी का अथवा में है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। तो तातुस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी, उसका जीवन कष्टों से भरा था। तातुस के परिवार के आने के बाद उसे आवास, वित्त, भोजन आदि समस्याओं से राहत मिली, यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय होता, उसे गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश होना पड़ता, उसके बच्चों को शिक्षा शायद नसीब ही हो,
नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास आय के स्रोत सीमित है। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर बनते। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का ही सामना नहीं करना पड़ता अपितु उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद ही उसे मिल पाता, उसके पिता भी उसे याद नहीं करते और माँ की मृत्यु का समाचार भी नहीं मिलता। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता। आठवां, अपनी प्रकाशित रचना देखने से बेबी पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो बेबी को जैसे ही पैकेट में पत्रिका मिली वह खुशी से झूम उठी तथा नीचे से ही देखो देखो एक चीज बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा कि बताओ इसमें क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक करके सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे कुछ याद आ गया हो, बच्चों से छोड़ो छोड़ो मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते सोचा वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर वह तातुस के पास आई और उसके पैरों को छू कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। इसी का अथवा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, लेखिका के बाबा ने चलते समय क्या कहा। तो लेखिका के बाबा कभी शायद ही उनसे मिलने आए हो। अब जब उन्हें कहीं से पता चला कि बेबी लेखन कार्य कर रही है तो वे लेखिका से मिलने आए। चलते समय उन्होंने लेखिका के बड़े लड़के से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम लोग और भी तरक्की करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। उसका लड़का बड़ा हो रहा है, वही एक दिन उसे सुख देगा। अभी वह थोड़ा कष्ट और उठा ले, बाद में सुख ही सुख है। तो बच्चों, ये था आपका हिंदी कोर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आंसर शीट। मैंने आंसर बता दिया, एक बार आप लोग केवल मिला लीजिए आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।